I never made it, but I know what it takes. It's really heavy. तो दोस्तों देखिए आज जो है काफी कुछ हो गया है अनबॉक्सिंग के लिए. And I'm reading slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from my... Hello guys, welcome back to my channel. तो जैसा दोस्तों आपने जानते हैं कि आज मेरे पास इतना बड़ा शक्ति कॉमिक्स का एक पैकेज आ चुका है जो कि ऑलमोस्ट 10 किलो का है. ये देखिए इस पर लिखा भी हुआ होगा. देखिए यहाँ पे लिखा है ना 10 किलो. देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को. तो देखिए 10 किलो का जो आज ये इतना बड़ा पैकेज है जिसको मैं बांटे में भारी है यार. तो इसको आज मैं आपके सामने अनबॉक्स करने जा रहा हूँ दोस्तों. तो काफ़ी अच्छी पैकिंग है. सबसे अच्छी बात यह कि शक्ति कॉमिक्स ने अब मुझे लगता है फेडेक्स ने डिलीवरी चालू कर दी है मेरे एरिया में. तो उन्होंने सर मुझे फेडेक्स से भेजा था, अभी तक वो डिलीवरी से भेज रहे थे. फिर उन्होंने एक मुझे एक्सप्रेस बी से भी भेजा था क्योंकि मुझे डिलीवरी सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी टाइप की कोरियर सर्विस लगती है. और ये मैं बिना किसी डर के खुलेआम बोल रहा हूँ. तो ये बात खैर वो भी जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है. तो देखिए दोस्तों ये मैं देखिए 10 किलो के पैक को इस प्रकार से सुरक्षित पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी रहती है, स्पेशली जब वो बुक्स हों. तो देखिए दोस्तों ये मेरा पहला पड़ाव पार हो चुका है. ये शक्ति कॉमिक्स वालों ने मुझे भेजा है. तो इसमें उन्होंने लिखा है नॉट इट रिसीव, क्योंकि मैंने कनकपुरी वाली जो कनकपुर की राजकुमारी वाली जो कॉमिक्स थी उसमें लिख के भेजा था कि क्या वो कुछ कार्ड वार्ड आया कि नहीं आया. अगर आया तो भेजो भैया. तो उन्होंने लिख के मुझे दिया है इसमें देखिए नॉट येट रिसीव. दिखा दोस्तों, तो दिख गया होगा हालांकि. तो चलिए दोस्तों देखिए फिर से मेरा फेवरेट बॉल रहा है. वाकई यार बहुत भारी है, इस बार उठाते हुए भी नहीं बनना है. तो इसको भी मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ. लेकिन इन्होंने इस बार इतना प्यारा तरीके से ये पैक किया हुआ है कि सच बताऊँ तो अनबॉक्स करने में भी ऐसे चीज़ टाइम में मज़ा आता है. आपको तो पता होता है कि कौन सा टेप कहाँ लगा हुआ है, स्पेशली डक टेप. तो ये तो फेवरेट चीज़ है. तो देखिए ये मेरा, अरे यार मतलब इतनी जल्दबाजी हो रही है मुझे कि मैं खोलना भी ठीक से नहीं पसंद करता हूँ. हाँ चलिए हो गया, ये भी हो गया. शक्ति कॉमिक्स वाले जान, अब मुझे लगता है जान गए हैं कि मुझे बबल रैप से प्यार है. इतने बबल रैप क्यों बेच रहे हो भाई, अब मैं नहीं बजा पा रहा हूँ, पहले बजा रहा था. तो देखिए इस बार फिर से दोस्तों मुझे आवाज़ सुनना है कैसे चर्र चर्र करके आ रही है ना. एक और डिग्री मिल गई है जो कि गोल करके घुमा के दी है. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज. तो ये देखिए अब आगे कभी मैं जब थोड़ा अनबॉक्स कर दे रहा हूँ. इस वाले पैकेज में जहाँ तक मुझे पता है काफ़ी बड़ी बड़ी कॉमिक्स होनी चाहिए और काफ़ी बहुत प्रतीक्षित कॉमिक्स भी होनी चाहिए. तो देखिए दोस्तों सारे बबल रैप की पैकिंग निकल चुकी है, अब सिर्फ आ गए हैं प्लास्टिक पैक्स. तो इनको भी भगवान का नाम लेके चालू कर दें. खुला है ना दोस्तों. तो देखिए मैंने ले लेता हूँ. मैं बहुत तगड़ी तरीके से पैकिंग की है, इतनी तगड़ी पैकिंग तो जो है. तो देखिए दोस्तों कुछ कॉमिक्स निकल रही है और जो निकल रही है वो है टॉसी द ग्रेट न्यू कॉमिक्स, अप्सरा का बदला. देखा दोस्तों आपको, मैं क्या करूँ, मैं लाइट बंद कर दूँ क्या? रुकना दोस्तों मैं पहले लाइट बंद कर देता हूँ, मुझे लगता है चमक रहा है बहुत ज़्यादा ना, है ना. तो देखिए दोस्तों मैंने लाइट बंद कर दिया. तो अप्सरा का बदला, इसके पीछे तौसी और अप्सरा की आत्मा का एडवर्टीजमेंट है. तौसी पाताल लोक में, दूसरी भाई साहब खुशबू इच्छाधारी सांप और इच्छाधारी सांप का इंतकाम, इसके कंगारू का तिलिस्म, ये भी तौसी की है.
तो देखिए पांच कॉमिक से निकल गई है, पांच और निकालो भाई। तो दोस्तों मैं निकाल रहा हूँ उनकी में, मतलब मैं सच बता रहा हूँ ये बहुत हैवी पैकेज है और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे भेजा है। मुझे ये डर लग रहा था कि पता नहीं यहाँ कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कई बंडल करके ये लोग भेज दें, लेकिन उन्होंने बहुत 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 अच्छी तरीके से भेजा हुआ है दोस्तों। मतलब सच कह रहा हूँ यार, सीरियसली हेड्स ऑफ शक्ति कॉमिक्स गाइस, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महाबली तौसी, ये रही छठी कॉमिक्स, सातवीं है आपकी तौसी और धरती के इंसान। तो दोस्तों आज आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा जो संजय गुप्ता सर ने प्रलय का देवता या फिर क्या ऐसी कुछ करके एक उन्होंने वीडियो निकाला है, क्या सटीक निकाला है नहीं, तौसी और सपेरे की बेटी, तौसी और तांत्रिक, तौसी और ड्रॉकी। इसके बाद दोस्तों एक्चुअली कॉमिक्स जो है मेरे पास ऐसे कुछ जो टोटल कॉमिक्स मंगाई थी, कितनी मंगाई थी तो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मतलब काफ़ी मंगाई थी, ऐसा नहीं है। तो एक मैंने ये भी मंगाई, कृष्णोत्सव, मैंने सोचा जन्माष्टमी आने वाली है तो क्यों नहीं एक ये भी कॉमिक्स ट्राई करी जाए। और इसकी मैं क्वालिटी देख रहा हूँ दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए, मतलब इससे अच्छी क्वालिटी कॉमिक्स आपने कहीं नहीं देखी होगी, राइट। मतलब जो प्रिंटिंग है, जो हर चीज़ है, कलर वर्क है, आर्ट वर्क है, सब कुछ एकदम परफेक्ट। और जो तौसी की कॉमिक्स वगैरह देख रहे हैं इसमें तो एकदम से मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बचपन वाली फीलिंग आ रही है ना। तो देखो दोस्तों, 10 कॉमिक्स तो आपकी ये वाली तौसी वाली आई गई है मेरे पास, तो इनको भी मैं आपको लगा के दिखा दूँ क्योंकि फिर बाद में मुझे अपना एक इसका फ़ोटो भी डालना होगा ना, लोग लगेगा कैसे मैंने कॉमिक्स खरीदी है। अरे यार मजाक कर रहा हूँ भाई। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी 10 कॉमिक्स हो गई और ये प्लस आपकी प्रश्नोत्सव, तो टोटल आपकी 11। तो अब दोस्तों जो है मैं और आगे बढ़ चुका हूँ मंजिलों को पार करते हुए, क्योंकि बहुत ही मेरी अवेटिंग कॉमिक्स थी जिनको मेरे लेने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी शुरुआत में, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था इनका ऑर्डर क्या है, लेकिन अब मुझे ऑर्डर समझ में आ गया है। देखो कॉमिक्स का वेट देखो, यस मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी बॉडी बना सकता हूँ। तो देखिए मेरे पास आ चुकी है ऑपरेशन डिके वॉल्यूम 2। भाई साहब मैं आपको सच बताऊं तो मुझे जो है ये जो होली काउ कॉमिक्स है और बुल्स आई हैं या फिर मतलब जो भी ये नई प्रोडक्शन हाउस आई हैं, मेरा इन पर प्यार जग गया है। इनकी क्वालिटी, इनकी कलर, इनका सब कुछ आप अगर खुद देखेंगे अपने आँखों से तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ। बस ओनली ड्रॉबैक यही है कि ये इंग्लिश में है। ये ड्रॉबैक नहीं है, मतलब पढ़ना चाहिए यार, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को इंग्लिश नहीं आती, ट्रांसलेशन नहीं आते, लेकिन अब हिंदी पढ़ते हुए आए हैं और उनसे फीलिंग्स बन जाती हैं तो फिर ये तो इसमें मेरे पास कोई कमेंट नहीं है, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसे, मैं बहुत बड़ा नॉवल पढ़ता हूँ, आपने देखा होगा ट्रेन और बसों में इंग्लिश नॉवल, मतलब लड़कियों और लड़कों के हाथ में, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई बंदा एकदम जो है कुछ बोलने की चाहिए। अब वही अगर आपके हाथ में अगर हिंदी नॉवल हुआ कि 50 खून करके भाग चली लड़की, इस टाइप की जो जो क्या, अरे मतलब कुछ ना कुछ उठ पटांग उनके टॉपिक ही रहते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आप उनको पढ़ के देखिए, वेद प्रकाश शर्मा जी हुए, कुछ भी हुए, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी हुए, आप इन लोगों के पढ़ के देखिए, आप सच बताएं तो आप उसमें खो जाएंगे। मतलब इतनी खूबसूरती तो मैं कहता हूँ खुशवंत सिन्हा के में भी नहीं होगी। चलिए ये बहुत बड़ा कमेंट है, लेकिन मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। सबके नॉवल अच्छे हैं, आप पढ़ने के शौकीन हैं आप पढ़िए, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो देखिए द लास्ट अश्रुन भी आ गई है मेरे पास, इट्स अ वेरी गुड कॉमिक। और सबसे अच्छी बात है इनकी महक, इनकी स्मेल, ऑफ वाह भाई वाह। भाई साहब मैं सच बताऊँ यार, ये जो डार्क कलर है, ये जो ग्राफिक्स है, ये सब उसमें जो यूज़ किए गए हैं, ये एकदम उम्दा क्वालिटी है भाई। इसके बाद मेरे पास आई है कास्टर के सारे वॉल्यूम आ गए हैं, देखिए कास्टर, देखिए जहाँ वहाँ डार्क था यहीं पे देखिए कितना कलरफुल इन्होंने यूज़ किया है, राइट। तो कास्टर के ये है आपके पास प्राइज नंबर 6, फिर ऑपरेशन डिके का नंबर 1 वॉल्यूम 1। तो अब ये भी पढ़ा जाएगा। तो उसके बाद जो है शैतान के मेरे पास जो 4 वॉल्यूम थे वो भी मैंने मंगाए हैं, शैतान देखिए
यार इनको कहते हैं कॉमिक्स, बस सच कह रहा हूँ, इनको कहते हैं कॉमिक्स। अरे भाई राज कॉमिक्स कुछ सीखो। अरे क्यों बकवास कर रहा हूँ मैं बकवास है भाई, सीरियसली बकवास, जाने दो। शैतान का वॉल्यूम 2, राज कॉमिक्स है यार, उन्हीं को पढ़ के पढ़े हैं, तो किसी पे क्रिटिसाइज़ करना हम लोग का पता नहीं है, है ना। ये रहा आपका शैतान का वॉल्यूम 3। खुशी इस बात की है कि मतलब देखिए अब हम लोग के पास भी इतने अच्छे अच्छे कॉमिक्स आ रहे हैं, बस ये खुशी की चीज़ है। और ये है शैतान का वॉल्यूम 4, तो ये 4 वॉल्यूम के साथ है शैतान की। उसके बाद फिर शैतान का ये जो है इशू निकाले थे शायद उन्होंने, हाँ। तो दिस इज़ 1/4 अनदर शैतान, 2/4। आपको तो पता ही होगा गौरव श्रीवास्तव जी ने भी अपनी एक सीई निकाली जिसमें सिर्फ उनकी आर्ट है, कोई कहानी वानी नहीं है। और स्टिल देखो वो भी धड़ल्ले से बिक रही है क्या, बल्कि मुझे लगता है आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। वो तो क्रेज तो है हर चीज़ का, ये तो हम मान के चलिए। देखिए और आ रहा है मेरे पास, बहुत आ रही है भाई, अभी बहुत आ रही है। देखिए कास्टर की और आ गई है, कास्टर देख रहे हैं, ये कास्टर सीरीज की है, एक और कास्टर की ये सीरीज। मतलब यार मैं सच बताऊं जितनी थी ना सारी कॉमिक्स सब मेरे पास आ गई है। नागराज और ध्रुव की भी ऑलमोस्ट मेरे पास कंप्लीट हो चुकी है सेट, थोड़ा बहुत बाकी है, मतलब इक्के दुक्के वो भी हो ही जाएंगे जल्दी से। ये भी देखिए ये भी कास्टर। उसके बाद अब आया मेरे पास रक्षक, देखिए रक्षक के सेट आ गए हैं सारे। तो ये है आपका रक्षक, देखिए एक और रक्षक, 2 रक्षक, 3 रक्षक, और फिर है ये आपके रक्षक। ठीक, तो दोस्तों देखिए मेरे पास टोटल कॉमिक्स हो गई हैं इसमें। ये तो क्रैकडाउन 1 है, उसके बाद ये ओरिजिन की सीरीज़ है 4/4, 3/4, 2/4 एंड 1/4, राइट। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास आ गए हैं रक्षक, ये रक्षक की 4 कॉमिक्स प्लस 1/5, ये क्रैकडाउन, ये हो गया रक्षक। ठीक है, इसके बाद मैं देख रहा हूँ कास्टर की मेरे पास कौन कौन सी है। कास्टर की बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3, बुक नंबर 4 एंड बुक नंबर 5। फिर एक और भी है कास्टर की मेरे पास, जहाँ तक मुझे पता है, वेयर इट इज़ यस हेयर 6। तो ये मेरे पास कास्टर की 6 बुक्स आ गई हैं। तो ये रहे कास्टर टोटल, और ये सारे बिग साइजेस हैं दोस्तों। तो ये रही, अब देखिए शैतान की है ये बुक 3/4, 2/4, 1/4, 1, 2, 3 एंड 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 बुक मिसिंग है। एक्चुअली क्या है कि जो कास्टर का जो कास्टर कह रहा हूँ, जो शैतान की जो कॉमिक्स आई थी उसमें पहले पार्ट में जो है 4 कॉमिक्सें थी, और दूसरे पार्ट जो इंटर द ड्रैगन करके आई थी उसमें सिर्फ तीन ही बुक्स हैं। तो मुझे लगता है अभी चौथा इसमें आना रह गया है, तो ये रही 3। तो उसके बाद जो फिर मेरे पास द लास्ट असुरन 1 एंड द ऑपरेशन डीके की 1 एंड 2। तो मेरे पास अब टोटल कॉमिक्स आज जो उन्होंने मुझे भेजी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, और ये सभी ये 21 ये हो गए, और 10 आपकी तौसी की, 10 तौसी की 21, 10, 31 और 1 कृष्णोत्सव 32। तो ये 32 कॉमिक्स आप बिलीव नहीं करोगे, ये वाकई में बहुत हैवी है। जबकि अगर ये राज कॉमिक्स की होती तो आप इनको उठा के फूंक के भी उड़ा सकते थे, है ना। लेकिन इनसे तो आप अपनी बॉडी भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ की नहीं, क्योंकि पता नहीं कहीं की भी।
अब तो चलो दोस्तों, आप पूछ रहे होंगे कि भाई वो डिग्री आपको किस चीज़ की मिली है, तो देखता हूँ मैंने ऐसी कौन सी डिग्री प्राप्त कर ली है एक्चुअली। तो इसको भी मैं खोल के देखने जा रहा हूँ। दोस्तों मुझे पता है इस डिग्री के अंदर क्या है, क्योंकि अब यही जो इम्प्रोवाइज तरीका है, यही तो सबसे अच्छी चीज़ है पोस्टर मंगाने का, है ना। मैंने पहले पोस्टर जो है फोल्ड होके आ रहे थे भाई साहब, फोल्ड होने के बाद भाई जो है आयरन कर रहे हैं, बेड के नीचे रख रहे हैं, लेकिन भाई सिलोटे कहाँ से गायब करोगे। अब आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, लगे रहो, जो एक बार हो गया हो गया, कागज़ मुड़ गया मुड़ गया, और फिर उसकी नाव बनती है, मुड़े हुए कागज़ की नाव बनती है, और नाव को खोल के कभी वो कागज नहीं बनता दोबारा। अभी कितनी क्या यार, चलो नहीं खुल गया ये। एक्चुअली मैंने पिछली बार जो विंटेज कलेक्शन मंगाया था उसमें सिर्फ ओली कितने चार पोस्टर थे, राइट। तो फिर उससे मेरा मन नहीं भरा, तो फिर मैंने आज जो है दोबारा मंगाए हैं। अरे वाह, मुझे इसके साथ देखिए एक बांसुरी भी मिली है, साथ एक देखो बांसुरी मिली है कृष्णोत्सव वाली कॉमिक्स के साथ। आई वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, चलो रियली थैंक यू। ये तो मुझे बजानी भी पड़ेगी भाई, साथ ही देखो जल्दी जल्दी हो। हाँ मेरा बच्चा बजाएगा देखिए। ये एकदम वही फीलिंग है जैसे बचपन में आती थी, कोई भी फ्री फ्री गिफ्ट मिलते हैं। अरे सामने पहले हेलो तो बोल दो सबको, हेलो बोल दो। आप लोग कैसे हैं, आप लोग कैसे हैं? तो देखो साथ ही देखो चलो हो गया। हम लोगों ने सारे संगीत की जो है प्रकाष्ठाएं नाप ली हैं, तो अब ये रहे हमारे पोस्टर। और ये हमारे पोस्टर में देखिए कौन आ रहा है, नागराज भाई साहब, एकदम दमदार तरीका है। इनके हाथ में कौन सा सांप है, ये शायद चेकर्ड कील ब्लैक कील बैक है, जिसे पनियल सांप बोलते हैं। और इसको हम लोग सोच रहे बहुत यार है, तो वही बेटा, ये कोई कोबरा ओबरा नहीं है भाई। दूसरा नागराज जो है एक तीन सांपों से लड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए गाइस, चलिए आज का तो जो शक्ति कॉमिक्स की जो है अनबॉक्सिंग मैंने कर ही ली है, और आई एम रियली हैप्पी विद माय ऑल स्टफ। चलो चलो, तो दोस्तों आज मैं सोच रहा था मैं आपको कुछ नहीं तो अपना हल्का सा एक टूर करा देता हूँ अपने इस रूम का। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको अपनी मैंने किस प्रकार से कॉमिक्स ऑर्डर करी हैं, काफ़ी मेहनत लगी है। और उसके बाद मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे भी दिखाऊंगा कि हाउ मैनी कॉमिक्स आई एम हैविंग, इवन दो एक एक कॉमिक्स का जो है मैंने डेटा तैयार किया हुआ है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के, क्योंकि पहले मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लेता हूँ, यही साथ ही खेल रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा बेड है, यहाँ पर मैं हमेशा कॉमिक्स पढ़ने के लिए, और मतलब जैसे मतलब इट्स जस्ट लाइक काइंड ऑफ माई स्टूडियो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं हमेशा कॉमिक्स पढ़ता हूँ, या फिर अपने पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जब थक जाए तो यहाँ पे मैं सो जाता हूँ। अभी यहाँ पे सात्विक देखो गेम खेल रहा है, सात्विक कौन सा गेम खेल रहा हूँ? पापा रोब्लॉक्स में एक्सरसाइज करते हैं। हाँ तो देखिए रोब उनके एग्जाम हो चुके हैं, तो पहले देखिए यहाँ पे मैंने सारे पोस्टर जो है फ्रेम में लगाए थे, लेकिन वो फ्रेम क्या था बीच में गिर रहे थे, तो फिर जब टूट जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो ये सारे मैंने पोस्टर्स निकाल के लगाए थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ से मेरे कॉमिक्स का एक वर्चुअल टूर मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने सीई लगाए हैं जितने भी हैं, अभी हालांकि और भी आने हैं। तो ये तो वॉलपेपर है, अभी मुझे यहाँ पे लगाना होगा दरवाजे पे, इसको बाद में लगाऊंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने अपनी सारी डोगा की कॉमिक्स रखी हुई है, ये सारे जितने भी आपके होते हैं ना जैसे जनरल सेट्स होते हैं मतलब विदाउट हीरो, तो ये वाले सेट लगे हुए हैं, ये सारे के सारे नए हैं। इसमें सारे मनोज कॉमिक्स के आपको मिलेंगे हवलदार बहादुर के, है ना। और इसमें आपको सारी अंगारा वाले हैं, अंगारा के ही हैं, और ये सारी आपकी डायमंड कॉमिक्स हैं, इसके लाइन से ही लगाए हुए हैं, बिल्लू फिर पिंकी फिर चाचा चौधरी। ये वाले जो सेट हैं ये सारे मल्टी स्टार्स के हैं, मतलब नागराज रूप जो जो जिसमें भी मिक्सिंग रहती है वो सारे मैंने इधर रखे हुए हैं। इधर ये आपके सारे जम्मू की कॉमिक्स हैं इधर रखी हुई हैं। ये वाले सारे जो ध्रुव के जो जैसे आते हैं ना जो बाई पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे सरोनायक वाला पार्ट है, मतलब ये सारे पार्ट वाले हैं। और ये वाला कौन सा है, हाँ ये आपकी भेड़िया की कॉमिक्स हैं जो ऐसे पलटा के तो रखी हुई हैं। और ये आपके जो हैं, नहीं ये सिर्फ सरोनायक का सेक्शन है, और ये जो जो ध्रुव की जैसे पार्ट हैं जैसे बाल चरित्र हो गए, राजनगर रक्षक हो गए, ये सारे वो ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आइए, नीचे वाले सेक्शन में आप देखिए
तो यहाँ पे आपको सारे नागराज की नहीं ये सारी ध्रुव की डाइजेस्ट है, सिंगल सिंगल इश्यूज जो एक ही कॉमिक्स में जो है आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है, वो है सातिका प्लेन। और यहाँ पे आपके नागराज की सारी सिंगल मतलब इश्यूज हैं जिसमें एक ही में ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आपका ये आतंकर्ता नागराज की कॉमिक्स रखी हुई है और ये आपकी जो वो कॉमिक्स हैं जिनमें सारे पार्ट्स यूज होते हैं, नहीं ये सारे सिंगल सिंगल वाले हैं और ये आपके पार्ट्स हैं जिसमें आपके कुछ ना कुछ जो है कहानियाँ जुड़ी रहती हैं। जैसे देखिए मृत्युदंड, त्रिफना, मैं आप थोड़ी सी लाइट जला देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना, अब आपको अच्छे से दिखाओ। देखिए जैसे मृत्युदंड, नागदीप, तो ये सारे पार्ट्स कहानियाँ हैं ना, जैसे आपका त्रिफना सीरीज है या फिर कुछ भी है, तो इस टाइप से है, ठीक है। तो ये सारे कंप्लीटेड हैं और इसके नीचे आइए तो ये सारी आपकी भोपाल की कॉमिक्स हैं, ठीक है। ये मेरा बिजली वाला कैमरा। उसके बाद दोस्तों ये आपका आ गया हंगामा, यहाँ पे आपके सारे गमराज की कॉमिक्स हैं, ये सारी आपकी परमाणु की कॉमिक्स हैं। और इधर देखेंगे आप तो ये सारी फाइटर टूर्स की मेरे पास इतनी है और ये आपके बांकेलाल की सारी कॉमिक्स हैं इधर। और ये सारे आपके जो जितने भी बिग एडिशंस बिग इश्यूज़ हैं ये वो सारे देखिए, यहाँ पे अघोरी वघोरी भी लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, रामनायण पसी ये लगा हुआ है, देख रहे दोस्तों ये है। और देखिए नीचे कौन सो रहा है, नीचे बोबो सो रहा है। ये दोस्तों ये सारी ये देखिए ये भी कारवा और ये मतलब जैसे हॉरर वाली डायरीज है ना, इसमें शिकारी शंभू मैंने डाल दिया, मतलब ये सब ये भी रखने की जगह नहीं थी कह सकते हैं। अच्छा दोस्तों ये सारी वो कॉमिक्स हैं, वो चोट लग जाएगी लगी तो ये वो सारी कॉमिक्स हैं जो मैं आप लोगों को गिव अवे करने वाला हूँ, तो ये जल्दी से मैं गिव अवे करूँगा। इनमें और भी कॉमिक्स थी पता नहीं मेरी वाइफ ने कहीं रख दी है, ठीक है। तो ये सारी दोस्तों मैं बहुत जल्दी गिव अवे करूँगा, तो ये सारी फ्री हैं, लेकिन गिव अवे में भी क्या क्या रहेगा ये रहे, मतलब है अच्छी खासी कॉमिक्स है। और दोस्तों डोगा, कतलेआम, नागराज 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 ये सब मैं गिव अवे करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते आए हैं ये सब मैं गिव अवे कर दूँगा, है मेरे पास मतलब जो जो दो दो तीन तीन हो गई हैं उन सबको मैं गिव अवे करूँगा दोस्तों। लेकिन कयामत मतलब मैं सच कहूँ तो मैं बेच भी सकता हूँ, लेकिन एज आई प्रॉमिस गाइस तो जो गिव अवे करना है वो गिव अवे करूँगा। और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से मेरे चैनल को सपोर्ट किया है दोस्तों, और इस सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों का हमेशा शुक्रिया रहूँगा, क्योंकि देखिए आप लोग इतने अच्छे से हर चीज़ को मेरे चैनल को आप लोग कर देखते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोगों को मेरा बताने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के कमेंट्स इतने अच्छे लगते हैं मुझे। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपना प्यार बरसाते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए और जल्दी जल्दी मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।